अयोध्या मामले में मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल रही है। अब फिर दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने की मोहलत मिल गई है। इस दौरान वे एक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। दरअसल सिसोदिया की पत्नी काफी समय से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार यानी 3 जून को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और सोमवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं, उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। तो वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाया। आपको बता दें कि इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। करीब 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया तभी से तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया से जेल में ईडी ने भी पूछताछ की थी। ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।